नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जन से कॉलम पेश है समय का धारा। कॉलम निगार हैं डॉक्टर सोगरा सदफ और आवाज़ है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org समय का धारा वो काफला है जो हर वक्त रवां दवा रहता है। कोई भी मौसम हो, कोई भी रुत हो, दिन हो के रात हो, खिजा हो के बहार हो, धूप हो या बारिश हो, समय का धारा बहता रहता है। अपने इर्द गिर्द जिंदा वजूदों की भागदौड़ देखने वाले हम सब इस छलावे से बेनियाज रहते हैं। हर लम्हे के असबात की गवाही देने वाला ये धारा हमारी नजरों से ओझल रहता है। ये एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता, जिसकी रवानी हालात की किसी ऊंच नीच से मुतासिर नहीं होती। ना ये हुक्म मानता है और ना दरख्वास्त कबूल करता है। ये एहसासात से मावरा है, ना थकता है ना बूढ़ा होता है। चलना इसकी जिंदगी है और यही इसकी शनाख्त भी है। फितरत ने इसकी जो रफ्तार सेट की हुई है ये उसके मुताबिक चलता रहता है। हमारे दुख सुख और इंतजार की कोई कैफियत इसे ना रुकने पर मजबूर कर सकती है और ना ही तेज भागने पर कायल कर सकती है। हमारे सामने हर तरफ एक रवानी का बहाव है, हर कोई हरकत में है। कायनात की ट्रैफिक अपनी अपनी डगर पर महवे सफर है। हम ये सब देखते हैं, महसूस करते हैं, मगर ये मानने पर तैयार नहीं कि वक्त का धारा किसी दिन हमें उस मकाम तक ले जाएगा जहाँ हमारी रफ्तार साकित हो जाएगी, कोई रोब दबदबा ताकत और दौलत काम नहीं आएगी। असल मसला और परेशानी जो हर जी रूह को लाहक है वो समय के इस धारे से मुताबकत ना इख्तियार कर सकना है। कभी हम वक्त से आगे निकलने की चाह में इतना भागते हैं कि मंजिलों का तायुन करने वाला रास्ता हमसे बिछड़ जाता है। जिंदगी बेमकसदियत की धुंध में अंधाधुंध हाथ पांव मारने लगती है और हम बेदम होकर गिर जाते हैं। ऐसा कई बार होता है। कई बार खुद को संभालते हुए हम दोबारा सफर का आगाज करते हैं, लेकिन रफ्तार की सुई से हम आहंगी नहीं हो पाती। यूं कभी हम इतना पीछे रह जाते हैं कि महसूस होता है जैसे किसी मकाम पर ठहर गए हों। वक्त से आगे बढ़ जाने और पीछे रह जाने वालों की जिंदगी मुश्किलात और मसाइल से भरी हुई होती है। जिस तरह आगे निकल जाने वालों की दानिश और फतानत जमाने से बर्दाश्त नहीं होती, इसी तरह पीछे रह जाने वाले अपने दौर की तरक्कियों और कामयाबियों को खुद में जज्ब नहीं कर पाते। जिंदगी जब डगर से हट जाती है तो एक इम्तिहान बन जाती है। शायद वक्त से आगे निकल जाने वाला फर्द ही नए इम्कानात की बात करता है, अभी तक वकूअ पज़ीर ना होने वाले वाकयात तहरीर करता है, अनदेखे जहानों के ख्वाब लफ्जों में तस्वीर करता है और ख्वाहिश को मुजस्सम करने का हुनर जानता है। शायर के ख्वाब में मुआशरे की उम्मीदों की धड़कन समाई होती है। वो इज्तमाई एहसासात की तर्जुमानी करता है, इसलिए उसके ख्वाब समाज के हर फर्द के ख्वाब बन जाते हैं। वो पहली सीढ़ी पर खड़े शख्स को अपने साथ छत पर ले जाता है और उसे सितारों के वसी जहान का हिस्सा बना देता है। उसके लफ्ज तहरीक बन जाते हैं, ऐसी तहरीक जो शम्मा की तरह जलती है, सूरज की तरह उभरती और खुशबू की तरह फैलती है। ख्वाबों की इस पनीरी से नजरिया जन्म लेता है जो हालात और वाकयात का रुख मोड़ कर रख देता है। यूसुफ खालिद भी एक ख्वाब देखने वाला शायर है। वो दिल की क्यारियों में सतरंगे फूलों की पनीरी उगाना चाहता है जो उसके जहान को मुअत्तर कर दे, उसकी आंखों को जगमगा दे, मगर रंगों खुशबुओं और उजालों के तलबगार को एक सुबह इस क्यारी में फलसफे के सवाल खड़े दिखाई देते हैं, जिनके जवाब इसकी अपनी जात के साथ साथ मुआशरे की तस्कीन के लिए भी जरूरी हैं। इनकी तमाम नज़में एहसासात के फूलों से शुरू होकर नजरियाती मुकालमों और मुबाहिस पर ख़त्म होती हैं। इनकी खूबसूरत किताब समय का धारा, जिसका इंतसाब राकिम के नाम है, में ऐसी कई नज़में मौजूद हैं जो अपने अंदर कई कहानियों को समोए हुए हैं। अच्छी नज़में पढ़ने को दिल करे तो समय का धारा ज़रूर पढ़ें। फ़िलहाल इसमें से एक नज़्म सुनिए और लुत्फ़ उठाइए। मौसम गुल, क्या तुमने कभी सोचा है जब सब्ज मौसम में पलती हुई तलबगारी मिलन के गीत गाती है तो जमी की तह में ख्वाबीदा बीज समात के दर खोल देता है। गहरी नींद में मलफूफ क़ुव्वत नमू अंगड़ाई लेती है। एक महकता हुआ अनखोआ लबों पर सदाए लब्बैक सजाए जमीन का सीना चीर कर अपने होने का ऐलान करता है। मौसम की कुशादा बाहें और जिंदगी का रस बांटती हवा आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करती हैं। फजा में सरशारियाँ घुलने लगती हैं। जरखेज जमीन की तरह हसास दिल रंग खुशबू और जायकों का मस्कन होता है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है
कि दिल की राहदारियों में पलने वाले जज्बे मौसम गुल के इंतजार में बेताब ना हो। जब मुअत्तर हवा हसास दिलों को लम्स की लज्जत से आशना करती है तो नवाहे जाँ में हर तरफ फूल खिल उठते हैं। क्या कोई सब्जा गुल को नमूदार होने से रोक सका है? तो सोचो दिल की सल्तनत में जब रंग खुशबू और सबाहतें बाहम आमेज होती हैं तो गीतों का रास्ता कौन रोक सकता है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।